लाहौर का कराई पेशावर की चपली नहीं हाँ। पेशावर की चपली का नहीं तो शिनवारी शिनवारी हाँ एंड यू आस्क फॉर द प्राइस वो क्या आएगा छः सौ रुपये बट अगर एक प्रॉपर लाइक पाकिस्तानी शक्ल वाला बंदा जाए वो क्या आएगा क्या चार सौ रुपये नहीं हो रहा जैसे कि हमेशा चिंग चोंग लगे हुए थे दैट्स रेसिव दैट्स वेरी रेसिव यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा था लाइक पाकिस्तान उस जमाने में ना लाइक alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Today, our Mehman is one of my childhood friends. He's the owner of Kim Moon uh, and a lot of Jeffrey Zhang, thank you so much for being on the podcast. Thank you. Thank you for having me. <laughs> the only reason that you have me is because my Chinese. That's racism right there. Racism. <laughs> right. <laughs> I thought that people would find interesting. Chinese Pakistani.

देन वो गया वापस चाइना और वहाँ पर अम्मी के साथ शादी की फिर वो वापस आई फिर अम्मी भी साथ आई फिर मैं पैदा हुआ हूँ फिर और अब अबू अम्मी उर्दू बोलते हैं घर पे क्या चाइनीज़ में बात होती है चाइनीज में बात होती है लेकिन उर्दू सबको बोलने आती है नहीं अम्मी को नहीं आती अम्मी को नहीं आती अम्मी की टूटी फूटी है बट अगर जिस दिन तुम्हें ना लाइक अम्मी की उर्दू समझ आ जाए ना

शक्ल में मैं चाइनीज हूँ मगर लाइक पाकिस्तानी हूँ बिकॉज आई आई अडॉप्टेड टू द कल्चर पाकिस्तान में तो लाइक आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ आई फील लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ बट लाइक ड्यू मतलब चाइना तो मैं यू कॉन्ट फील कभी चाइना गए नहीं हो, लेकिन ऐसे इधर होता है जिस तरह मतलब घर में देसी खाना खाते हो किस तरह का खाना खाते हो दैट लाइक like? yeah, है देसी भी होती है, भी होती है hmm. के मुझे नहीं अच्छा लगता तो बट मोस्टली अम्मी बुक फोर्स करते हैं कि चाइनीज ही खाओ तो मैं वही खाता रहता हूँ like नहीं वो लाइक like प्रॉपर अपना जो गाँव का जो खाना नहीं होता चाइनीज गाँव का खाना क्या होता है यार yeah, पाकिस्तान में कैसे गाँव का खाना होगा पाकिस्तान में जैसे कि का खाना होता क्या हम सारे ही खाना नहीं खाते हाँ, तो तो की, हाँ, की बिरयानी हाँ, हाँ, लाहौर का <laughs> <laughs> हाँ, पेशावर की चपली पेशावर की चपली का खाना लाइक इन सेंस के उस एरिया का लोकल खाना लोकल हाँ लोकल खाना है तो मिलता नहीं अच्छा और अबू ने किमून कब शुरू किया 94 94 कैसे गोल्डन ड्रैगन में शेफ थे गोल्ड नहीं शिफेंग में शेफ थे हाँ uh. उसके बाद दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बाय किमुन बिकॉज द प्रीवियस ओनर वो मूविंग टू कैनेडा अच्छा किमून वो दिन स्टार्टेड बाय यू हां उससे पहले किसी eight, और आई थिंक 89 में शुरू हुआ था इस तरह कुछ हुआ था उसके बाद फिर अबू टुक ओवर देयर वाज लाइक एट टेबल्स लाइक कैपेसिटी ऑफ लाइक व्हाट 80 पीपल और समथिंग लाइक दैट उसके बाद फिर आराम आराम से They grew, he grew. It grows as a business. Or Fang is opposite of Kim Mun, thana. Right? Yeah. So basically, your dad was a chef at Shifang Yeah. And then he ran Shifang out of business. I, don't know, I heard that. उनके Koi issues चल रहे थे. मतलब ये mafia triad type mm -hmm. scene have यार. दोनों अपनी-अपनी गलियां पकड़ी Hey, उनके <laughs> हमने कुछ नहीं किया इसमें वी हैड नथिंग टू डू अच्छा चलो ठीक है ठीक है ऑफिशलीयर किन अब यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस न इधर देख रहे हो इज इट हार्ड फॉर यू गैस टू डू बिजनेस ये मतलब पाकिस्तान में पाकिस्तानी पासपोर्ट है तुम्हारे पास तो यू द सेम इज आस या यहाँ कोई डिफरेंसेस फील होती हैं ऑब्वियसली लाइक इन sense के differences हल्की सी फील होती हैं बिकॉज एक होती है चाइनीज प्राइसिंग जिसमें बेसिकली अगर तुम जाके मार्केट में एक सामान कुछ खरीदो एंड यू ask फॉर द प्राइस वो क्या आएगा छः सौ रुपये बट अगर एक प्रॉपर लाइक पाकिस्तानी शक्ल वाला बंदा जाए वो क्या आएगा क्या यार चार सौ रुपये तो वो जो मार्कअप होती है ना चाइनीज़ की लाइक उसमें काफ़ी ज़्यादा वो होती है हमारी उस लिहाज से काफ़ी बिकरिंग होती है लाइक लाइक विद द शॉपकीपर एंड स्टफ़ लाइक दैट बट स्टफ़ लाइक दिस और उसके बाद फिर लाइक ऑब्वियसली लाइक अ पाकिस्तानी मैनेजिंग अ बिज़नेस एंड अ चाइनीज मैनेजिंग बिजनेस लाइक इट्स वेरी डिफरेंट जैसे कि मैं आई एम अ लकी बट मैम आई फील लाइक मैं बहुत खुश लाइक लकी हूँ इन द सेंस कि अबू ने एक्सपीरियंस किए ये सारा कुछ इन अ सेंस के फ्रॉम लाइक नाइन्टी फोर टिल टू थाउजेंड एंड जब टिल द टाइम आई टूक ओवर उसने फिर आ, उसने लाइक गॉट डाउन टू द होल तो निटी ग्रेडी इन देंस के हर चीज़ किसके साथ किस तरह डील करना है एंड देन पूरा एक पॉप अबू ने एक प्रॉपर सेटअप रखा हुआ था लाइक सेटअप रखी हुई है इन से फिर तो मेरे लिए तो अब लाइक आई वाज जस्ट जंपिंग इन टू द शिप ना तो मुझे तो पता है कि क्या अबू बस बता देता है कि और, हाँ ये ये कर लो और इससे फ़र्क पड़ता है कि जब तुम जाते हो और फॉर एग्ज़ाम्पल एकदम से उर्दू में बात करना शुरू हो जाते हो तो लोग थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं मगर प्राइसेस में फ़र्क नहीं पड़ता <laughs> <laughs> में में नहीं फर्क पड़ता लेकिन जैसे कि ना आई थिंक 2 और 3 मंथ्स बैक मेरे वो बैरिया ब्रांच में हमने mm. एक जनरेटर लेना था एंड वी प्लानिंग टू रेंट इट आउट सही है. तो मैंने ऑब्वियसली मैं गूगल गया मैंने चेक किया कि यार कौन जनर, जनरेटर रेंट करता है ये सारा कुछ ना देन मैंने प्रॉपर एक उर्दू में ना ऑब्वियसली सारा कुछ उर्दू में मैंने बात की थी एंड mm. उसने ही गेट अ चांस टू सी माई फेस तो मैंने नगोशिएट नु, कर लिया मैंने mm. और आई mm. थॉट थाट यार बड़ी फेयर प्राइस मिली है मुझे mm. यार इस दफ़ा तो जब वो बंदा आया जनरेटर छोड़ने और कहते हैं कि जाफरी कौन है इसलिए मैंने जाफरी बोला mm. तो क्योंकि mm. मैं जेफरी बोलूँगा तो लोग क्या जाफरी mm. तो लाइक तो like, सही है ठीक है जो भी तो जब उसने मेरा जब शक्ल देखा ना इंस्टेंट रिग्रेट लाइक इंस्टेंट रिग्रेट कि लाइक शिट दे तुझे एक बात बताऊँ आई कैन अंडरस्टैंड देखो एक तो तुम फॉरनर हो लेकिन दूसरा मसला ये भी ना जिस तरह तुझे जो प्रोफेस ज्वाइन किया था मुझे याद है पहले दिन पे मैं थोड़ा सा बर्गर था आता था और यार चला गोटॉक टू फॉरनर तो मैं जेफ़ के पास गया यू स्पीक इंग्लिश और ये मुझे देख के कहता है उन लोगों के भट्टे मुझे उर्दू आती है और मैं उसको देख के फोर डे मतलब आज तक में वो मुझे मोमेंट याद है और आया जाए यार ये उर्दू कैसे बोल रहे हैं एंड देन With you now, you've got a whole like मतलब यू ना कितने लोग हैं हाँ. जिस तरह अभी हम किम पे आते हैं बट लाइक योर अब इज अ वर्ल्ड ऑफ चाइनीज पाकिस्तानी जो अब चाइना मतलब जो पाकिस्तानी हैं चाइनीज भी नहीं है रियली really, राइट right? हाँ इन सेंस लाइक और तुम्हें तो उस तरह पता चला जब वेन यू गॉट टू नो मी कि हाँ देर इज़ लाइक कम्युनिटी है और हाँ, हाँ. कुछ है बट लाइक like, उस जमाने में लाइक ओबियसली उस जमाने में जैसे कि मैं पाक एज अ मुझे उर्दू आता है सही और फिर कोई क्या डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश डूज लाइक इट गेट्स इन टू योर नर्व कि यार मुझे उर्दू भी आता है यार उर्दू में बात भी कर सकते हो नॉट हैज हैव टू बी जस्ट हाँ मतलब फॉर कॉन्टेक्स्ट लाइक जेफ्स वाइफ किम

मैंने मैं क्या बोलूँ इसके बारे में लाइक like, मैंने फिर लाइक like, ये one... से या कुछ इस तरह हाँ मैंने फिर यही बोला मैं गिलगित से हूँ जस्ट टू सेव दैट कॉन्वर्सेशन के यार आप चाइना से हैं चाइनीज आती है ये ये सारा कुछ hmm. मैंने कहा मैं गिलगित से हूँ जिन जिन लोग मेरे से पूछते मैं और फिर मेरे से पूछा आपका नाम क्या है पता नहीं मैं क्या यार जमशेद है यार <laughs> पिछले दफ़ा एक बच्चा मेरे से सेवर्स में पूरा आपका नाम क्या मैंने कहा जमशेद है बच्चा भी यूं करके मुझे देख है कि क्या वो जमशेद क्यों बोल रहा है उसने <laughs> जमशेद क्यों अब्दुल्ला बोलना था ना अब्दुल्ला है मुझे नाम तो पसंद नहीं है किसी भी फॉर कॉन्टेक्ट जब हम छोटे थे तो हमारी एक इस्लामिया टीचर थी जिसने कसम खा ली थी कि जेफरी को मुसलमान बनाना है तो वो जेफरी को जेफरी नहीं बोलती थी अब्दुल्ला बोलती थी और उसकी कहती थी कि कल में पढ़ और वो बेचारा कहता था कि यार

मगर उसके मुझे भी याद उस वक्त जबान में भी याद था ना कि सारे लोग ना क्लास के शुरू में ना लाइक हमें सूरा कलमा पढ़ना होता था सूरा पढ़ना होता है लाइक स्टार्ट ऑफ़ द क्लास लाइक हमारा जो जो क्लास जो हेड ऑफ क्लास जो टीचर होती है जो होता है वो आती है कहता है हाँ। क्या पहले उसके बाद पे देन दे स्टार्ट क्लास इंडिविजुलेटर कहते हैं हाँ जो भी है एंड देन यार सब लोग जाके कलमा पढ़े करते हैं ना hmm. याद है एक में मुझे स्किप करते थे यार इसको तो आता ही नहीं है है अगला हर हर रोज़ एक नया बच्चा होता ना कि hmm. दो होल ना दिन उठता गया और फिर मैं वही पढ़ता हूँ पिछले दो साल से मैं वही पढ़ रहा हूँ और हमारे बचपन में ऐसे भी बहुत ज्यादा होता था बड़ा मसला होता था क्योंकि अभी तो खैर जेफ लुक्स लिटल मोर रिफाइंड जब जेफ बच्चा था तो, तो माशा हट्टा कट्टा बड़ा भी था दैन यह एक ज़माने में इसको भी याद होगा गोल्डन स्ट्रीक यहाँ पे लंबे बाल लाल कलर के और गोल्ड और हम फिर रहे हैं माल रोड पे मरी में हर बंदा जेफ को था मतलब हमारा मसला होता या था याद है वो जो स्टेज ड्रामे पर हम गए थे अब यार स्टेज ड्रामे में देर आर थ्री हंड्रेड पाकिस्तानी मैन एंड जेफ लगी. हम मतलब जेफ को ये कहते थे कि शॉर्ट्स में बाहर ना जाए करियर तो नहीं जोड़ेंगे लोग अरे देखो

Uh, बहुत वेट लूज़ किया बहुत जिम लगाया पिछले दो तीन साल वाई डिडम हेल्थ फ्रीक अच्छा शुरू शुरू में ना जब मैं uh, कैनेडा में पढ़ता था तो लाइक एक्ट टू हायर ट्रेनर वॉज लाइक वेरी एक्सपेंसिव सही हुँ. है मैंने कहा मुझे एक तो जिम नहीं करना आता तो मैंने मैंने डिसाइड किया कि यार मैं पाकिस्तान जब आऊँगा मैं एक ट्रेनर हायर करूँगा एक दो महीने के लिए और मैं सीख के ना खत्म कर ख़त्म कर दूँगा तो मैं गया तुम लाइक ए आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड देन लाइक फिर मैंने ट्रेनर हायर किया तो ट्रेन किया दो महीने हो गए फिर वो ट्रेनर भी बड़ा नाइस बंदा रहा था hmm. सही है तो मुझे बुरा लग रहा था कि यार बात लाइक like, बस सही है मैंने दो महीने हो गए हैं मैंने अब तो मैं छोड़ रहा हूँ एंड लाइक आई एम आई हेट कॉन्फेंट्रेशन इन देंस कि ना नहीं कह मैं ना नहीं कह सकता ना ट्रेनर भी लाइक फुल जैफ अगले महीने हम ये करेंगे अच्छा करेंगे

मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है जेब हल्की हो गई <laughs> चलो एटलीस्ट कोई तो हां बट यू वर सीरियस अबाउट लूजिंग वेट लाइक तूने सिगरेट भी तो पीना छोड़ी है हां मगर तो, उसको भी 10 साल लगे हैं मुझे ना 10 साल मा... मतलब अच्छा बाय द वे फॉर द रिकॉर्ड आज मेरी मम्मी भी ये पॉडकास्ट देखेंगी जब हम छोटे थे ना तो मैंने सिगरेट उस टाइम पीना भी नहीं शुरू की थी हम 12 साल के थे जेफ मेरे बाथरूम में आया था जेफ ने एक सिगरेट पी वहां पे बर्ड छोड़ी और चला गया तुम्हारा फ्लश नहीं चल रहा था मेरी क्या गलती थी उसके बाद और आज का दिन मेरी अम्मी ने मुझे इतने ताने दिए कि तुम सिगरेट पीते हो कि मैं सिगरेट पीना शुरू हो गया फैक्ट और नॉट अ फैक्ट दैट्स ट्रू बट तुम्हारा फ्लश नहीं चल रहा था वो ठीक है मेरी अम्मी ने सुन ली ना बात अब सुन ली <laughs> मैंने नहीं सिगरेट पहले पी थी खेर कंटिन्यू करें जी हाँ आपने फिर सिगरेट छोड़ी हाँ, अच्छा तो लाइक इट मी यू एट द टाइम नो आई से छोड़ना चाह रहे हैं हाँ मुझे दस साल जो लगे हैं ना अभी मैं थर्टी थ्री हूँ तुमने तू ने बारह तेरह में शुरू की हाँ तो, उस वक्त तो बच्चे थे ना हाँ। किसी को क्या पता क्या होता हाँ। है तो के प्रोजेक्ट था कि स्मोकिंग कितना तोबा लूजर्स हैं जो सिगरेट पीते हैं और ये सारा कुछ बट ये गलती किसकी है अगेन मेरी बताओ किसने पहली सिगरेट पिलाई थी मुझे फ्लश नहीं हुआ था नहीं उसके बाद पिलाई किसने थी खुद पीते थे छुप छुप के मेरे से, से आके ना और नहीं, से पी थी। नहीं नहीं मेरी गलती हाँ, 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 तुम मैं एक सिगरेट का सिगरेट का पैक यहाँ सही है हाँ। 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 अब मेरी गलती है मैंने मैंने ये बोला शान जाके यार ये जाके पी लो पीछे जाके छुप नहीं लेकिन अगर तुम सब पी रहे हो पीयर प्रेशर में आ गया था ना मैं पीयर प्रेशर अकेले जाके कहीं और छुप के पियोगे प्रेशर आया पैक एंड देन देन आई डिसाइडेड कि यार एक दफ़ा मैंने ना एक प्रोडक्ट देखा जो हीटेड टपैको वाली होती है तो मैंने कहा यार मैं वो हीटेड टपैको वाला मैं ट्राई करता हूँ बिकॉज इट हैज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फिर मैंने वो ट्राई किया, mm. किया वो ट्राई किया वो लाइक कि आई लाइक इट फॉर लाइक टू और थ्री मंथस उसके बाद मैंने mm. कहा वेब टाइप चीज़ थी हाँ फिर मैंने कहा उसके बाद फिर वो होता ना कि एक सिगरेट का एक बर्निंग mm. वाली तो अलग मज़ा आता है मैंने कहान आई वॉज लाइक टू स्मिंग देन आई वेंट टू वेब

इंजेस्ट नहीं करना चाहिए स्मोकिंग like, <laughs> हाँ <laughs> like, <laughs> <laughs> तो फिर उसमें भी मेरा पेट, पेट mm. खराब हुआ था तो फिर उसमें भी उसमें भी फिर मैंने कहा यार छोड़ दो तो बस लाइक एंड देन फिर एक दिन um, फिर मैं वापस सिगरेट पी रहा था फिर मैं वापस like, an mm. ना इगरेट के साथ mm. तो फिर मैंने वापस ई सिगरेट पिया और फिर एक सुबह मुझे याद था कि एक सुबह याद था कि मेरा काम था लाइक नौ बजे लाइक नौ बजे था एंड देन उस वक्त कोविड का टाइम था ठीक है और कोविड के टाइम में ना मैं सुबह उठता हूँ मैं स्मूदी बनाता हूँ स्मूदी बना के फिर मैं बैठता हूँ फिर कंप्यूटर में लाइक जो भी काम होता है कर लेता हूँ ठीक है ये तो, तो कैनेडा में तो इधर पाकिस्तान कनेडा तो मैं काम कर रहा था तो मैंने ना मैं टाइपिंग कर रहा था एकदम से मैंने देखा है मेरा पूरा लाइक फिंगर्स ना ब्लू हो गया और लाइक

तो मेरा भाई जब नीचे नीचे आता है कमरे से कहता है कि वो कहते हैं कि यार जेफरी वो ब्लू बेरीज तुमने जो निकाले ना क्या पता उससे हुआ होगा <laughs> <laughs> तो तेरे हाथ ब्लू इसलिए हुए थे क्योंकि तूने ब्लूबेरीज का कोई हां लाइक ब्लूबेरीज ब्लू लाइक वो फ्रोजन ब्लूबेरीज है ना <laughs> 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 तो दे हैड दैट दैट जूसेस एंड ऑल स्टफ तो मैंने जब हाथ से निकालो ऑब्वियसली फिर वो कलर हो जा वो कलर लग रह जाते हैं आई गेस रह जाते हैं अभी तक मैं जिंदा हूं यहां बैठा हुआ तो वैसे फॉर कॉन्टेक्स्ट जेफ़ को ये बहुत मसले होते थे जब हम बच्चे थे कोई 18 19 साल के थे शायद तो जेफ को लग रहा था कि जेफ़ को डायबिटीज़ हो गई है और मैंने इससे पूछा कि यार तूने टेस्ट कराया तुझे कैसे 18 साल के बच्चे को डायबिटीज़ क्यों होगा कहते बस मेरी फैमिली में और एक पूरा समर घर से बाहर नहीं आ रहा हमारे साथ जा नहीं रहा खाने छाने पर नहीं जा रहा क्रिकेट शिकट पर नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा है डायबिटीज़ है जी मैंने एंड में समर के एंड में कहते हाँ हाँ हा, मैंने टेस्ट कराया आई एम फाइन और एक और तो दिखाद जी वो गाड़ी लगी थी हम पेट्रोल पम्पे थे और आम, मतलब मैंने गाड़ी पार्क की जैफ़ उतरा वो दुकान में गया चीज़ लेके वापस आया वापस आ रहा था तो कोई गाड़ी कितनी स्पीड में हो गया यार गाड़ी लगी जैफ़ को यार तुम ऐसे बात कर रहे हो कि लाइक कुछ नहीं हुआ मतलब मैं कोई पांच छह फीट हो रहा हूँ है छह फिर तू मेरी बात सुन कितनी तेज गाड़ी जा सकती है ये कोई तीस में जा रहा होगा तीस, तीस में, में हाई इम्पैक्ट गो इन टू चलो ठीक है तीस में जा को में जा रहा है जैव साहब ने मेरी पूरी समर वेकेशन ख़राब कर दी उसके बाद मुझे कहता है जी चलो जी शिफा हम थे कहते कहते हैं शिफा कुसूम पता नहीं कहाँ गए थे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है <laughs> इस ते पहला टेस्ट कराया मेडिकल कहते भाईजान तू ठीक है दूसरे डॉक्टर के पास गया कहते भाईजान तू ठीक है तीसरे डॉक्टर के एंड में मैं भी उसे कह रहा हूँ रात के नौ बज गए भाई घर चल खत्म कर इसे और ये कह रहे यार नहीं कुछ ना कुछ हो गया मुझे उसके बाद तूने टिक टैक भी खा छोड़ दी ठीक है हाँ टिकट वोमेटाइज हो गया या वो हालांकि वो टिकट मुझे बहुत फिट लगता है अब नहीं खा सकता मैं, ऑन गैस स्टेशन पेट्रोल पम्प में कोई सीन ही नहीं है मैं टिकटा खाऊंगा लेकिन मुझे अब ये बता नाउ यू सॉर्ट ऑफ गॉट ऑल फील एनी बेटर लाइक हेल्थ वाइज डू फील यू कैन रन मोर डी लाइक पहले जिम भी स्टेज आई एम नॉट पेंटिंग लाइक के आर शेट आई एम अन हेल्थी बट आप अब वो भी होता है ना कि अगर तुम घर पे बैठे रहो काफ़ी देर से तो लाइक इज़ एं के यू फील लाइक

फैक्ट्रा क्या <laughs> मतलब बस <laughs> <स्मोगे को? But laughs> नहीं होती नहीं लाइक मतलब, सुबह उठ के खांसी नहीं आती अच्छा दिस uh, मुझे लेट्स टॉक अबाउट किम ठीक है टेल अस द स्टोरी अबाउट व्हेन यू मूव बैक फ्रॉम कनाडा यू वांट टू गेट मैरिड वहां से शुरू करो जेफ की बड़ी एक इंटरेस्टिंग रोमांस है सुना है हमें क्या लाइक आई थिंक देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक किम uh, के साथ जब मेरी uh, म बैक फ्राम कैनेडा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द रीजन बींग कोविड था और फिर मेरी अम्मी पूरे थे सारा कुछ मैंने कहामाउंट हो ये एंड इट जस्ट बिकेम लॉन्ग टर्म थिंग ऑन टॉप ऑफ दैट उसके बाद फिर यार देखो केम के साथ इज लाइक एनी अदर लाइक पाकिस्तानी दो किस्म के रिश्ते होते एक होता है कि बेसिकली तुमने करना ही करना है इसके साथ शादी दूसरा होता है कि यार इंट्रोडक्शन होती हैं है तो किम के साथ, क्या हुआ? चलो, के सुनाना। तो के साथ तो मेरी फिर दूसरी वाली हुई कि लाइक ऐसे के हम गए अम्मीब ने इंट्रोड्यूस की है कर लो अगर नहीं करना नहीं करो तो मैंने किम का भी बैकग्राउंड थोड़ा सा बताओ

एंड ऑन टॉप ऑफ लाइक उसको उसके बाद फिर वो बच्चों के ऊपर ना एक कपड़ा डालते हैं लाइक गो हाँ चादर चादर <laughs> हाँ ये पाकिस्तानी रीजन बींगी ने कहा यह काली चीज़ क्या लगाई लाइक माई मॉम लाइक यार ये काला चीज़ की बैंड क्यों लगाया हुआ इट्स नॉट चाइनीज हो ये सारा कुछ ना तो तो उसने मेरी फिर उसने क्या कहते हैं फिर ए, फिर मैंने कहा किम यार उतारना पड़ेगा ये सारा कुछ मॉम वेंट टू चाइना एंड देन शी गॉट फ्रॉम चाइना एंड लाइक दो सिल्वर कलर के ब्रेसलेट सही है वो पहले हाँ नजर के लिए सही है मगर मसला ये है मेरे साथ <laughs> <laughs> कि जिससे भी मैं मिलता हूँ लड़की है लड़का है किम की शक्ल देख रहा था यार

और like, hmm. uh, क्या सवाल पूछे खाना क्या, क्या पकाती हो इस तरह की चीजें like, hmm. like like, से, से मिलते हो तो तुम hmm. क्या बात करते हो कॉमन ग्राउंड एंड स्टफ लाइक दैट एंडली हमारा मतलब मोर देन लेस देन यू

जीन्स शर्ट पैंट और ये शॉर्ट्स और ये सारा कुछ केम लाइक शवार कमीज हो ये सारा कुछ पहन के आती थी मिलने हाँ हाँ एंड देन इवेंचुअली लाइक वी स्टार्ट टॉकिंग एंड देन वी आफ्टर लाइक सेवन मंथ्स लाइक वी डिसाइडेड के हाँ लाइक लाइक वी लव इच अदर तो हमने फिर वो कर दिया अच्छा अब आगे कॉम्प्लिकेशन जेफ जो है अब्दुल्ला अब्दुल्ला मुसलमान थे जेफ़ के घर वाले योर पेरेंट्स आर नॉट बुद्धिस्ट दाइनीज फोर्क लाइक आई थिंक इट जस्ट दे बिलीव इन सर्टन कल्चर टू सिस्टम है किम वॉज क्रिस्टन हाँ अब शादी करने के लिए क्रिश्चन वेडिंग होगी देसी अब्दुल्ला की शादी होगी या व पेरेंट्स आर उसकी होगी उसमें कॉम्प्लिकेशन उसमें कॉम्प्लीकेशन तो थे लाइक इन देंस के एंड में लड़की की रिलीजन में जाना होता है ना लाइक नहीं है मुसलमान लड़की को घर लेके जाते हैं साथ हम थोड़े से मैं मुसलमान तू तो नहीं है मुसलमान वो हाँ, तो मुझे पता है लेकिन अब्दुल्ला तुझे टेक्निकली बोला जाता था तो टेक्निकली तो तू मुसलमान नहीं है हाँ, और रात तेरे घर वाले हैं तो हाँ, तुम लोग तूने कन्वर्ट किया फिर किधर अब तू क्रिश्चियन है मैं कुछ भी नहीं हूँ like, तो बैप्टाइज तो हुआ ना नहीं बैप्टाइज भी नहीं हुआ तो फिर फिर क्या तो फादर कैसे यार बेसिकली यार कोई टेक्निकलिटीज थे जो हमने निकाले एंड देन फादर मान गए कि लाइक चर्च में तुम ये वेडिंग कर सकते हो बट चर्च में बेसिकली एक प्रॉपर सेरेमनी होती है ना वो सेरेमनी यू कट इन टू हाफ अच्छा जैसे कि अगर इफ यू आर क्रिस्टन यू कंटिन्यू टू द रेस्ट लाइक जो बाकी है। हैं बट लाइक इफ यू नॉट क्रिस्टन लाइक तो फिर वो होती है और फिर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था क्या के लाइक like, नहीं 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 कि अगर बच्चा होगा तो फिर वी विल मेक हिम क्रिश्चियन ये क्या है hmm. एक तो मुसलमान हो सकता है एक बच्चे सारे बच्चों को था

टू केम uh, नहीं केम केम हाउस उसको उठाया हां रुक्सिटी टाइप रुक्सिटी टाइप अच्छा ये एक देसी शादी भी थी एक क्रिश्चियन शादी भी थी और एक चाइनीज़ शादी भी थी इसमें बहुत सारे मिक्सचर्स मिक्सचर्स थे, थे, हाँ. थे खैर कंटिन्यू हाँ. कर आप फिर उठाया फिर केम को अपने घर लेके आए हुँ. फिर कोई और सिस्टम हुआ फिर फिर वो चाइनीस सिस्टम ही चल रहा था कि वो अब्मी अब्बू को टी पिलाया लाइक के उसके घर भी, भी तो उसको कोई करना था ना कोई गेम खेल के उसको जीतना था या कुछ इस तरह का सिस्टम होता है ना यार उसमें हमें पैसे देना पड़ा था ना जस्ट टू मीट हर लाइक जस्ट जूता को चाय पिलाई हाँ ठीक है, थीक 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 तो, we है फिर वो एक सिस्टम है वो चाइनीज सिस्टम हो गई उसके बाद फिर मैंने पूरा एक अंडा खाया वो भी एक चाइनीज सिस्टम थी उसके बाद उसके बाद हम चर्च गए उसके बाद हम चर्च गए फिर फादर साहब इन्वॉल्व हुए हाँ फिर फादर साहब वो क्रिश्चियन वेडिंग होगी अच्छा फिर एक इशू हो गया था कि जेफ को पता नहीं था हमें भी पता नहीं था कि पता नहीं कोई सिग्नेटरी बंदा होता है कोई हाँ किसी हाँ के बायडी कार्ड दी थे किसी हाँ को पता नहीं था कि हाँ तो निका नामा होता निका नामा है हा, 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 एक मेरे वाले साहब थे पूरे चर्च में जिनके पास आईडी कार्ड था तो हा, हा, वो निका नामा में साइन तो उसके बाद फिर चर्च में शादी हुई थी फिर डिनर लंच हुआ था लंच हुआ था तेरे घर वापस हाँ कितने चार हो गए तो शुरू हुई है ना पार्टी तो फिर अच्छा तेरा लंच हुआ उसमें वो सारे वो एक चाइनीस सॉर्ट sort of हाँ वो भी एक चाइनीस था।, था उसके बाद फिर रात को फिर एक फिर रात को मेहंदी हुई उसमें फिर मजे की बात ये कि मेहंदी किस तरह की थी अच्छा मेहंदी भी थी वो वो जो वो, क्योंकि जेफ कनाडा में भी रह चुके थे बेस्ट मैन स्पीचेस भी हो रही थी <laughs> पता नहीं क्या <laughs> अच्छा और मजे की बात ये कि सारे अब जिस तरह मैं बेस्ट मैन स्पीच दे रहा हूं सारे चाइनीस लोग

तुम लोगों के लिए country, right? हाँ. really mother, no अपने गया हो तो, हाँ, हाँ, हाँ. तो. चाइना अच्छा, चाइनाज हाँ, तो उस... well? हाँ, हा, तो बोलते हो हाँ. like, Mandarin, एक और डायलेक्ट हाँ, है जो डायलैक्ट जैसे कि वो पश्न हो गया डायलेक्ट विद इन तो उस लाइक जगह के लोग पाकिस्तान स्पेसिफिकली क्यों आए थे पता है इसके बारे में लाइक वी कॉल आर सेल्फ हक्का सो हक्का यू जस्ट कॉल दम गेस्ट लाइक देर लाइक विजिटिंग गेस्ट तो लाइक हका पीपल आर वेरी लाइक नोन फॉर लाइक इंडियन चाइनीज हाँ अच्छा हाँ

Hmm. Either like Chinese people, they make shoes, hmm. or like open restaurants, hmm. or open a beauty parlor. हाँ वैसे I have a question. ये क्यों है? क्या? Chinese लोग मतलब like, racist बात ये है लेकिन generally या beauty parlor खोलते हैं या restaurant. जूते वाली भी चीज़ मैंने ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा है लाइक पाकिस्तान में any Chinese Pakistani I know either was in the restaurant business hmm. or in the beauty business. I think it's the easiest thing to गेट इन टू द मार्केट लाइक एंिंक अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो एक डिफ एक न्यू इन्वायरमेंट में एंड लाइक यू वॉन्ट टू स्टार्ट मेकिंग मनी लाइक आई थिंक दिस इज़ लाइक द इजिएस्ट वे टू गेट इन टू इट लाइक आई थिंक ए अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम इन पाकिस्तान और ये सारा कुछ टेक्स टाइम लाइक एंिंक ए फाइंडिंग लाइक एक तो तुम्हें किसी को लाइक यू डोंट नो एनी वन सही है लाइक एिंक तुम एक कनेक्शन भी नहीं बना सकते ना कि यार मैं ये कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ यह कर लेता हूँ सो द ओली ऑप्शन इज क्या तुम चाइनीज़ रेस्टोरेंट स्टार्ट करो एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग इट फ्राम देयर चल मिस्टर चेंग बहुत टाइम दिया तुमने मुझे थैंक्स फॉर दैट आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन डोंट गो एनीवेयर अभी तूने बात की ना कनेक्शन का नाउ यू लिव्ड हियर अब तो कनेक्शन भी कुछ हद तक तो बन गए हैं फैमिली के आउटसाइड ऑफ यू नो रेस्टोरेंट बिजनेस दूसरी चीज़ें भी देख रहे हो लॉट्स ऑफ चाइनीज इन नाउ पाकिस्तान में हाउ आर दे फील मतलब यू मीड ऑफ चाइनीज पीपल कमिंग टू पाकिस्तान नॉट लाइक जितना तू तो हमारा है ना तू तो अपना है लेकिन uh. वो लोग तो देर सींग पाकिस्तान वट डू दे थिंक ऑफ पाकिस्तान एंड वर्किंग ईयर yeah they, they they find there's a lot of opportunities like mm. they they feel like you have opportunities bahut zyada And most of the chinese people like like some of the chinese people I know they come here mining business mm. like they like apparently there's like mines out in the outskirts of like Paks, like somewhere in the Paks, in pakistan in pashtun to mining mm. toh, like that in pakistan i think Balochistan gilgit aur mm. nwfp mein, johan, and then there's um,

it's not like a one night kind of a project mm. like it's, like it's going to take time and hurdles will be a lot of It's mm. just that you have to be mentally prepared for that. Like, it's, the companies are mentally prepared for that. Like, in the obviously, they have to face hurdles. Like, like, you've been watching news and stuff. Mm. Like, there's a lot of hurdles and stuff mm. like that. But like, in the end of the day, like, if there's a full support of the government and of, like, like a CPEC will be like, the future. Of, like, maybe I'm, and let's just hope that I hope it, so. I it, hope let's so. just hope it happens <laughs> Inshallah. this is a lot of fun thank you thank you thank so much. you for being on the podcast thank you thank, thank you me. guys for watching if you enjoyed our content please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast